अनुग्रह मनन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आज मैं आपका भाई अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं मित्र आज हम विचार करेंगे नीति वचन उन्तीस और उसके ग्यारहवें पद पर आज का मनन काफी व्यावहारिक विषयों पर होगा तो आइए आज के मनन में चलते हैं तो नीति वचन उन्तीस उसके ग्यारह में इस प्रकार से लिखा है मूर्ख अपने मन की सारी बातें खोल देता है परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है रिपीट करूंगा मूर्ख अपने मन की सारी बातें खोल देता है परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है मित्र, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए सामान्यतः शेयर नहीं करना चाहिए घर की बात अलग है अपने बहुत परम मित्रों की बात अलग है लेकिन ये छह बातें विशेष करके ध्यान देंगे जिन्हें हमें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए वचन कहता है जो अपने मन की सारी बातें खोल देता है वह बुद्धिमान नहीं है लेकिन मूर्ख है मित्र हम सभी बहुत बातें करते हैं है ना भड़बड़ भड़बड़ हम बहुत बातें करते हैं बात करना भी बुरी बात नहीं है इसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं लेकिन क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने मन की हर बात दूसरों को बोल देता है या दूसरों से कह देता है और अपने लिए समस्या को निमंत्रण देता है बाद में कहता है ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था मित्र एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो यह जानता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है कहाँ क्या कहना है और क्या कहाँ नहीं कहना है तो मित्र आइए वचन के अनुसार हमें किन किन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए उन बातों को देखते हैं तो पहली बात अपने लक्ष्यों या गोल्स को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए रिपीट करूंगा, अपने लक्ष्यों या गोल जो हमने डिसाइड किया है कि वी विल डू उसको हमें किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए घर की बात अलग है मित्र प्रायः यह देखा गया है कि यदि हम अपना उद्देश्य या गोल लोगों को बता देते हैं तो उसमें सफलता कम ही मिलती है एक उदाहरण देता हूं मान लिया कि आपका वजन बढ़ गया है आपने ये निर्णय किया कि व्यायाम करेंगे और कुछ वज़न कम करेंगे जिम जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि एक महीने में कम से कम कुछ वज़न कम हो जाए अब आपने जिम में एडमिशन भी ले लिया या व्यायाम करने का कुछ सामान अपने घर भी ले आए अब क्या हुआ कि आपने अपने किसी नज़दीकी मित्र को ये बता दिया कि मैंने ये सोचा है वज़न बढ़ गया है ना तो कम से कम मैं इतना किलो तो कम करूं ही एक महीने के अंदर और मैंने ये सोच लिया है मित्र आपने जिम भी ज्वाइन कर लिया या व्यायाम का सामान भी ले आए हैं अब क्या हुआ कि आपके मित्र ने शायद ये बात किसी और को ही बता दिया और आपकी मित्र मंडली में ये बात फैल गई अब संभव है कि एक महीने के आसपास आपसे पूछा जाए अरे तुम तो एक्सरसाइज कर रहे थे भाई बड़ी तैयारी कर रहे थे लेकिन भाई ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं अब तो और भी वजन बढ़ गया है ऐसा लगता है मित्र पक्की बात है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा और आगे कुछ ऐसा होगा कि लोग इतना पूछना शुरू करेंगे कि आप अपना आइडिया ही बदल देंगे मित्र अगर आप ये बात नहीं बताते तो ठीक होता क्योंकि यदि असफल भी होते तो मजाक नहीं बनता तो जिस काम को खामोशी के साथ किया जाता है उसमें सफलता मिलती है लेकिन जिस काम या लक्ष्य को बता दिया जाता है वह सफल नहीं होने पर मजाक का कारण बन जाता है संस्कृत का एक कथन है आपके लिए इस समय कहूँगा मनसा चिंतितम कर्मम वचसा न प्रकाशित यानी मन से सोचे गए कार्य को वचन से प्रकाशित नहीं करना चाहिए अन्य लक्षितम कार्य से यथा सिधीर्ण जायते यानी दूसरों के द्वारा लक्षित कार्य या जो कार्य दूसरों के द्वारा जान लिए जाते हैं वो अक्सर सिद्ध नहीं होते या सफल नहीं होते यानी मन में सोचे हुए कामों को वचन से प्रकट नहीं करना चाहिए नीति वचन सत्रह अट्ठाइस में देखिए वचन क्या कहता है बड़ा इंटरेस्टिंग है नीति वचन सत्रह अट्ठाइस मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझदार गिना जाता है तो आइए मित्र ध्यान दें कि अपनी बहुत सारी बातों को अपने उद्देश्यों को खास तौर से हम जल्दी शेयर ना करें और खामोशी के साथ काम करें जब सफलता सामने आ जाएगी तो सफलता अपने आप शोर मचा देगी शोर हमें शुरू में नहीं मचाना है सफलता जब आ जाए तो सफलता अपने आप में शोर मचा देती है खामोशी से अपने काम को करें आइए अब देखें दूसरी बात जो हमें कभी किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए वो बात है अपनी आर्थिक स्थिति कोई बहुत विश्वास योग्य है और आप उस पर विश्वास करते हैं तो अलग बात है लेकिन सामान्य रूप से अपनी आर्थिक स्थिति या आर्थिक उपलब्धि की चर्चा नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए आपको बताता हूं यदि कम है तो शायद उपहास का कारण बनेंगे और यदि ज्यादा है तो मांगने वालों की संख्या इतनी होगी कि मना करते भी नहीं बनेगा मना करेंगे तो बुरे बनेंगे आइए वचन से धर्मशास्त्र बाइबल से एक उदाहरण देखते हैं दूसरा राजा बीस और उसके तेरह में इस प्रकार से लिखा है जब बाहर से लोग आए तो राजा हिजकिया ने उन लोगों को अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और अपने भंडारों की सब वस्तुएं दिखाई ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जो उसने न दिखाई हो मित्र राजा हिजकिया दरअसल आए हुए लोगों को अपनी संपन्नता दिखाना चाहता था और अपनी प्रशंसा चाहता था लेकिन इस दिखावे को परमेश्वर ने बुरा माना और परमेश्वर ने अपने नबी यशाया के द्वारा यह संदेश उसके पास भेजा और इस प्रकार से कहा सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब यह सब कुछ बाबुल को उठ जाएगा और कुछ भी बचा न रहेगा मित्र यदि हमारे पास बहुत है तो उसका बखान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी संभव है कि हमारी शेखी सुनकर शायद किसी गरीब या निर्धन को अंदर से बहुत बुरा लगे कि इनके पास बहुत है मेरे पास नहीं है क्यों हम किसी को हीन भावना में डालें और मित्र यदि कम भी है आमदनी तो किसी से शेयर मत कीजिए अपने प्रभु की ओर देखिए और उससे मांगिए इनफैक्ट प्रभु को बुरा लगता है जब हम उसके बच्चे होकर दूसरों के सामने अपने अभाव का रोना रोते रहते हैं आइए चलते हैं अब तीसरी बात तीसरी बात मेरे मित्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने पास्ट या अपने अतीत के बारे कभी किसी से चर्चा मत कीजिए विशेषकर कोई दुखद पास्ट कोई दुखद बात मुझे याद है मित्र दिल्ली की ही एक घटना है किसी बहन का कोई प्रेम संबंध था लेकिन उसका अंत बहुत बुरा हुआ यानी ब्रेकअप हो गया था सब कुछ छोड़कर वो किसी दूसरे शहर की थी वो दिल्ली आ गई और नए सिरे से जीवन जीने का प्रयास करने लगी बहुत हद तक वो सफल भी हो गई थी बस हुआ ये कि उसने एक दिन अपनी वो बात किसी सहेली को बता दी अब उस सहेली से रहा नहीं गया पेट में बातें पची नहीं उसने किसी और को बता दिया और फिर तो क्या हुआ मित्रों कि सारे हॉस्टल में यह बात नमक मिर्च और मसाले के साथ फैल गई और इसका इतना बुरा प्रभाव उस बहन पर पड़ा कि अंत में वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी हो सकता है मित्र कि जिससे हम अपने पास्ट की चर्चा कर रहे हैं वह हमारा परम मित्र हो लेकिन समय को कोई नहीं जानता मित्र यदि कल वही व्यक्ति जो हमारा मित्र था शत्रु या विरोधी हो जाए तो हमारे पास्ट की गुप्त सूचनाओं का पूरा लाभ उठा सकता है दूसरा कुछ उसके सत्रह में वचन इस प्रकार से कहता है सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है पुरानी बातें बीत गई देखो सब नई हो गई है मित्र बहुत अजीब लगता है हमारी पुरानी बातों को प्रभु भी स्मरण नहीं करता यशया तैतालीस उसके अठारह में वचन कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ मित्र हमारा जो भी पास्ट है उसे प्रभु जानता है जब प्रभु ने हमें उस पास्ट से बाहर निकाला तो आगे भी वही लेकर चलेगा हमें किसी व्यक्ति की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है यदि मन के अंदर कुछ दुख है किसी अतीत की बात का दुख है तो बस इतना कहूँगा एक गीत मुझको याद आता है उसके कान में सब बता उसी को सब कुछ बताएं क्योंकि जो प्रभु है वो आपकी बात किसी और को नहीं कहेगा आइए चलते हैं चौथी बात मित्र कभी किसी की बुराई किसी के साथ शेयर मत कीजिए हो सकता है अगले ने बहुत विश्वास के साथ आपको अपने बारे कुछ बताया हो शायद मन हल्का करने के लिए बताया हो रोते रोते बताया हो यदि आप उसकी बात को किसी और के साथ शेयर कर देते हैं तो ये टेक्निकली विश्वासघात होगा है ना ये विश्वासघात होगा ये आपका सेबोटाइज है ये बैक बाइटिंग है मित्र किसी के अपराधों या कमियों को अगर जानते भी हैं तो उघाड़िए मत लेकिन उसे ढांकिए जैसा हमारे प्रभु ने किया पहला पत्रस चार आठ में वचन कहता है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि आपस में प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है मित्र लैब्य व्यवस्था उन्नीस और उसके सोलह में इस प्रकार से लिखा है बड़ा अजीब सा ही शब्द है लुतरा बनकर अपने लोगों में ना फिरा करना लुतरा का अर्थ होता है यहां की बात वहां और वहां की बात यहां करना यहाँ की वहां और वहां की यहां शेयर करने वाले को लुतरा कहते हैं या इस या इस क्रिया को लुतराई हम लुतराई करना कहते हैं इसी से झगड़े होते हैं परिवार के परिवार टूट जाते हैं लुतरा है ना कितना घिनौना शब्द है छी पांचवी बात आपके साथ इस समय शेयर करूँगा कभी किसी से शेयर मत कीजिए कि आपने किसकी क्या मदद की थी या दान दिया था या रोटी खिलाई थी ऐसा मत कहिए किसी के सामने कि कभी बड़ा बुरा हाल था उसका मारा मारा फिरता था हमने ही मदद ना की होती तो आज इसका बड़ा बुरा हाल होता मित्र ऐसा ना कहें यह बहुत ही बुरी बात है क्योंकि हर किसी को संभालने वाला परमेश्वर है हम कोई नहीं है ऐसा गीत गाना ठीक नहीं है मित्र यदि हम सोचते हैं कि दूसरों की सहायता करके और उसे चार लोगों के सामने गाने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा स्वर्ग में इसका कोई प्रतिफल नहीं है सुनिए मत्ती छे उसके दो में स्वयं यीशु ने कहा यदि तू तो दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा ट्रम्पेट मत बजवाइए जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें मैं तुमसे कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके आइए मित्रों अब अंतिम बात पर विचार करते हैं छठी बात घर के झगड़े घर की बातें ये कभी किसी से शेयर मत कीजिए ऐसा कौन सा घर है मित्र जहाँ मतभेद ना होते हों होते भी हैं तो थोड़े समय में ठीक हो जाते हैं एक घटना बताकर समाप्त करता हूँ पति पत्नी में विवाद हो गया पत्नी को इतना बुरा लगा कि उसने फ़ोन उठाया और चार सहेलियों से शेयर कर दिया आ, शाम को पति घर आया तो उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था उसने फूलों का गुलदस्ता दिया और उसने सॉरी बोल दिया और कहा कि चाय पियेंगे दोनों चाय पीने बैठे कि उसी बीच दो सहेलियों के फोन आ गए सहेलियां बड़ी एक्साइटेड थीं जोर जोर से बोल रही थीं अरे सुना कि तुम्हारा पति बड़ा झगड़ालू है बहुत बुरा हुआ बहन बहुत बुरा हुआ हम तो कभी मिलें तो उन्हें बताएं अब मित्र वे दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे सहेलियों की आवाज़ या वॉल्यूम इतनी लाउड थी कि पति ने भी सुन लिया आसपास बैठे हुए थे तो क्या होगा झगड़ा फिर से शुरू हो गया यह अच्छी बात नहीं है डू नॉट शेयर समथिंग which is of your own house.